So we were talking about the preparation of cyclic ethers, epoxides के formation को लेकर अपन बात कर रहे थे और उसी को लेकर जैसे मैंने आपसे कल चर्चा करी थी कि जो पर एसिड्स हैं उन पर एसिड्स की सहायता से आप इपॉक्साइड को बना सकते हैं, राइट। अब यहां पर एक बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अगर थोड़ा सा हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर चर्चा करें, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस इपोऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेट दिस बी द सिस टू ब्यूटीन, ये आपका सिस टू ब्यूटीन है, और अब इसका आपने किसी आपने पर एसिड के साथ ट्रीट करवाया, RCOOH इसके साथ अगर आपने ट्रीट करवाया, राइट, पर एसिड वो कुछ भी हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड, राइट, MCPBA हो सकता है, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, राइट, मेटा क्लोरो, ध्यान रखना इसमें पर एसिड की कैटेगरी में एक आता है MCPBA, MCPBA, राइट, दैट इज मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड। मैंने बताया है कि नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा, इट इज अ सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज ओ, देन हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज एच, मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। अब आपने किसी RCOOH के साथ ट्रीट करवाया, राइट, फुल फॉर्म जरूर से ध्यान में रखना उसको, इट इज मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट, ये बात जरूर है कि आपको वहां पर पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पर इसी तरह से उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा MCPBA, राइट, इसका मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पर हमारे को इपोऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो अब यहां पर, और अल्कीन का ही हो सकता है, इपोऑक्सीडेशन जो करवाते हो आप वो अल्कीन में करवाते हो, राइट। तो अब ये हमारा अल्कीन है, आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो मिथाइल है, राइट, अब पहले तो मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन बता दूं, यहां पर ये जो है, यहां पर ये दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बराबर है। ध्यान रखना बच्चों, मैंने बोर्ड को प्लेन नहीं माना है, मैंने बोर्ड को प्लेन नहीं माना है, अगर बोर्ड को ही प्लेन मानूंगा तो फिर मेरे को ये और ये लेने की जरूरत नहीं थी, अगर बोर्ड को ही मैं प्लेन मानता होता तो अगर मैं बोर्ड को ही प्लेन मानता होता तो फिर मैं डायरेक्टली इस तरह से कहता C double bond H, right, and here it is CH3, here it is H, and here it is CH3. क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कार्बन है, this carbon is sp2 hybridized, this carbon is sp2 hybridized, बराबर, ये प्लेनर है, मैं बोर्ड को प्लेन बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं, राइट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब जो मेरा प्लेन है वो प्लेन मैंने ऐसे माना है, इस तरीके से मैंने प्लेन को माना है, राइट। अब ये जो प्लेन है, दोनों मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, ये अपने आप में अल्कीन है, अल्कीन्स आर कंसीडर्ड टू बी प्लेनर, राइट, तो ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, और हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है। अब आपने इसका इपोऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, ये हमारा सिस फॉर्म है, दिस इज योर सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन, राइट। जिस समय आप इपोऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे, तो जिस समय, अब ये इमेज को ध्यान में रखना, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अब जैसे मैंने कहा, आपने सुन लिया, बराबर है, बट उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, बराबर है। अब ध्यान में रखना कि मैंने प्लेन ऐसे माना है, दोनों मिथाइल आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, और दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहे हैं, इट इज कंप्लीटली प्लेनर, राइट, एंड द पाई बॉन्ड इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड जो है मेरा ऐसे है, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मेन स्केलेटन, बराबर है, तो ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, पाई बॉन्ड से अभी हमारे को कोई मतलब नहीं है, राइट।
अब ये इपोक्सीडेशन मैंने परफॉर्म किया तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड इट इज कार्बन, ये इस तरीके से हो जाएगा कन्वर्ट होगा, देखिएगा इसको थोड़ा और मैं डाउन कर रहा हूं, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हियर इट इज मिथाइल, एंड सेम इज द सिचुएशन हियर, हियर इट इज एच, हियर इट इज योर मिथाइल एंड दिस इज द, ये आपका इपॉक्साइड बना है राइट right, बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करिएगा राइट right, स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डिसाइसिव राइट। यहां पर अब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट मिला वो सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली आपको एक प्रोडक्ट मिला है, इसका मतलब इस कुछ ध्यान आ रहा होगा, जीओसी के अंदर मैंने आपको दो टर्म बताई थी, वन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड अनदर वन इज द स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक से क्या मतलब है, स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब यह है, स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब यह है कि जब कोई कंपाउंड स्पेसिफिकली, जब किसी एक कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर पॉसिबल हैं, जब किसी कंपाउंड के अलग अलग आइसोमर पॉसिबल है, स्टीरियो आइसोमर ले लो बराबर है, जब स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है और वो स्टीरियो आइसोमर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, जब हर कंपाउंड, मैंने आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल लिखी हुई है आपके पास, पूरी डिटेल आपके पास लिखी हुई है, मैंने कहा था आपसे स्पेसिफिसिटी इट डील्स विद रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट से डील करती है, और सिलेक्टिविटी वो प्रोडक्ट से डील करती है। तो यहां पर अब जैसे अगर ये आपने सिस टू ब्यूटीन लिया, अब ये सिस टू ब्यूटीन नहीं लेते और मान लीजिए कि आप ट्रांस ब्यूटीन लेते हैं, ट्रांस टू ब्यूटीन लेते हैं, तो अगर ट्रांस टू ब्यूटीन लेते तो ट्रांस टू ब्यूटीन अलग तरीके से रिएक्ट कर अलग प्रोडक्ट बनाता, यहां पर जो सिस फॉर्म है वो सिस फॉर्म अलग तरीके से रिएक्ट कर एक अलग प्रोडक्ट बना रहा है, और ये जो प्रोडक्ट बना है राइट इट इज डेफिनेटली द सिस फॉर्म, सिस इपॉक्साइड के फॉर्म में रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ऐसा से डिस्टर्ब नहीं हुई है बराबर है, दोनों मिथाइल आप ही की तरफ आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहे हैं राइट, सिर्फ मैंने क्योंकि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, और बॉन्ड एंगल चेंज होने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत तो चेंजेस करना पड़ेगा राइट। तो ध्यान रखना जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन मानी जाती है वो अपने आप में स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और वो अपने आप में स्टीरियो सिलेक्टिव भी है, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक ऑल्सो एंड इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव ऑल्सो। हाँ, अब ये बात जरूर है कि अब ये जो आपने इपॉक्साइड बनाया, ये जो आपने इपॉक्साइड बनाया, अब ये इपॉक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो अपन उसकी रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, तो अभी मेरे को खास ये चीज बतानी थी कि जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है और रिएक्टेंट स्पेसिफिकली रिएक्ट कर सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट बनाता है बराबर है, जैसे कि ये सिस है राइट, ये यही बनाएगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई हमारे को कोई और प्रोडक्ट मिल जाए राइट, ये आपका इपॉक्साइड मिल चुका है राइट। अब मैं दूसरे मेथड पर आ रहा हूं, एक पहला साइक्लिक ईथर जो बनाने का तरीका मैंने लिया, इट इज विद द हेल्प ऑफ द पर एसिड्स का इस्तेमाल कर आप साइक्लिक ईथर बना सकते हैं बराबर है, ये साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको कि इट इज क्लियर कट द डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन का ये डेरिवेटिव है राइट। अब अगला केस में ले रहा हूं, राइट ये रहने दीजिए, अगले केस के अंदर सेकंड केस में लिखिएगा, सेकंड प्रिपरेशन के अंदर आप क्या लेंगे, सेकंड प्रिपरेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ हेलोहाइड्रिन्स और बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोहाइड्रिन्स, हेलोहाइड्रिन की रिएक्शन से या हेलोहाइड्रिन की हेल्प से हम इपॉक्साइड बना सकते हैं, वी कैन मेक द इपॉक्साइड या विद द रिएक्शन, आप ऐसे हेडिंग दीजिएगा विद द रिएक्शन ऑफ हेलोहाइड्रिन
राइट, अब ये आपके सामने सिस्ट टू ब्यूटीन है। अब ये जो सिस्ट टू ब्यूटीन है राइट, इस सिस्ट टू ब्यूटीन की रिएक्शन आपने परफॉर्म करी ब्रोमीन वाटर के साथ, बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ, बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो यहां पर ये बनेगा, अगर हम इस, मैं प्रोडक्ट पर नहीं जा रहा हूं, इस रिएक्शन के पहले क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, चेक करिएगा, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी ध्यान दे रहा हूं, हियर इट इज हाइड्रोजन, यहां पर आपका मिथाइल, फिर अगेन यहां पर आपका हाइड्रोजन, हियर इट इज मिथाइल। अब आप बोलेंगे कि सर आप इसको नीचे क्यों ले जा रहे हो आप, मतलब जैसे यहां पर ये दो ग्रुप ऐसे थे और वहां पर हमने दोनों ग्रुप ऐसे झुका दिए, मेरा प्लेन ऐसे था, मेरा प्लेन ये था, अब ये प्लेन था, अब इपॉक्साइड बना रहे हो आप, बराबर है। तो जो इपॉक्साइड आप बनाते हैं तो इपॉक्साइड में इस तरह से ऑक्सीजन लगता है, यहां पर ऑक्सीजन होता है राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो एक एडिशनल मेंबर आया है, जब एक एडिशनल मेंबर आया है तो ये वाले जो दो ग्रुप है, ये प्लेन है मेरा, ये प्लेन है मेरा राइट, तो ये जो दो ग्रुप है ये ऐसे झुक जाएंगे ना उसको अकोमोडेट करने के लिए, वो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अकोमोडेट करने के लिए दोनों के दोनों ग्रुप ऐसे झुक जाएंगे। तो इसीलिए मैं दोनों ग्रुप को बार बार झुका रहा हूं राइट। और यहां पर हमारा बनेगा ये आपका बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन राइट। ये आपने बनाया जो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम राइट। और इस प्रोसेस के अंदर बी आर नेगेटिव निकल गया, माइनस ऑफ बी आर नेगेटिव राइट, वो निकल चुका है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ऊपर ऐसे है राइट, ये ऊपर ऐसे है और ये जो दो कार्बन है, ये दो कार्बन है राइट, ये दोनों कार्बन के ये दो ग्रुप ऐसे हैं इस तरीके से, ऊपर ऐसे बी आर लगा हुआ है, हियर इट इज बी आर। और आप ये भी जानते हैं कि बी आर अपने आप में बल्कि है, बी आर अपने आप में भी बड़ा ग्रुप है राइट। अब इस पर क्या होगा, इसके ऊपर आप बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ, जिसको आप कहते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर आपने लिया हुआ है राइट। तो ये जो है, आप एक और जगह रिकॉल करिएगा, ये जो ब्रोमीन वाटर आप है वो फिनॉल का जब आप ब्रोमिनेशन परफॉर्म करते हैं, फिनॉल का जब आप ब्रोमिनेशन परफॉर्म करते हैं राइट, जिससे कि आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, कुछ ध्यान आ रहा होगा, तो वो जो रिएक्शन है वो भी आप ब्रोमीन वाटर में करते हैं। तो अब यहां पानी लेकर, पानी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब अगली जो स्टेप होगी, ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन आपने बनाया है, इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के ऊपर जो वाटर है राइट, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा। बट अब अटैक करने के क्या चांसेस हैं, समझिएगा आप, जरा सा फिर से वो स्टीरियो केमिस्ट्री पर आइए, उसके अरेंजमेंट पर आइए राइट। यहां पर ये थ्री मेंबर रिंग है, यहां ब्रोमीन लगा हुआ है, अब आप खुद सोचिए, और ये दो ग्रुप है कार्बन के, यहां दो कार्बन है, यहां दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन के साथ में यहां पर बी आर है राइट। और ये दोनों ग्रुप ऐसे ऐसे, एक ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है, मिथाइल आपकी तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन आपसे पीछे जा रहा है राइट। अब आप ये सोचें कि ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां कैसे अटैक कर सकता है, यहां पर तो ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है राइट। एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पर जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो ये है कि ये जो वाटर है, ये वाटर इस कार्बन के ऊपर अटैक करे, मतलब पीछे से अटैक करेगा, और जब ये पीछे से अटैक करेगा राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये थ्री मेंबर रिंग टूटेगी, अब ये रिंग टूटेगी, जब ये H2O यहां पर अटैक करेगा राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, अभी क्या ये थ्री मेंबर रिंग थी, थ्री मेंबर रिंग थी राइट, मेरा प्लेन ऐसे है, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, ये प्लेन है मेरा राइट, ये ऐसे है, ब्रोमीन ऐसे था राइट। अब अभी क्या तनाव था, थ्री मेंबर रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन था, बराबर है। तो इसीलिए अब जैसे ही आप कट करोगे, ये थ्री मेंबर रिंग है, अब मान लीजिए आपने उसको कट किया,
अब जैसे ही कट करोगे तो खट से रिलैक्स हो जाएगा, कार्बन रिलैक्स हो जाएगा, कार्बन बिकम्स, इट बिकम्स फ्री, एकदम वो फ्री हो जाएगा, राइट right? तो तुरंत ये जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये बीआर यहां गया, आपने ऐसे कैसे इसको काटा खट से, तो जैसे ही वो तनाव था, वो तनाव रिलीज हो गया, स्ट्रेन रिलीज हुआ, बीआर एकदम फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया बीआर, बराबर है। इसका मतलब ये है कि अब ये बीआर यहां पर आएगा और ये थोड़े से और नीचे चले जाएंगे, इसका मतलब यहां पर ये हाइड्रोजन आएगा, हियर इट इज हाइड्रोजन, राइट, यहां पर ये मिथाइल आ गया, ये CH3 हो गया, हियर इट इज योर बीआर, यहां पर आपका बीआर हुआ, हमने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा था, राइट, और यहां से ये कार्बन, अब H2O यहां से अटैक कर रहा है, तो ये वाले जो ग्रुप हैं, ये उसको अकोमोडेट करने के लिए ऊपर जाएंगे, इसका मतलब यहां पर जो है ये आपका OH, आप बोलेंगे सर H2O ने अटैक किया तो OH कहां से आ गया, वो जो BR नेगेटिव था, ये जो BR नेगेटिव है, ये BR नेगेटिव ने वहां से H पॉजिटिव निकाल दिया, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे समझ लें, माइनस ऑफ H पॉजिटिव मैंने कर दिया, ये OH आ गया यहां पर, एंड हियर इट इज योर यहां पर CH3 आएगा आपका, हियर इट इज योर CH3 एंड हियर इट इज योर H, राइट right? अब आप चेक करिएगा, तो ये आपका यहां पर बन चुका है, जिसको आप कहते हैं हेलोहाइड्रीन, बराबर है, हेलोहाइड्रीन मतलब वो कोई भी हेलोजन हो सकता है, बराबर है, वो सीएल भी हो सकता है, बेसिकली अगर आप देखें तो वो सीएल या बीआर, ये जो हेलोहाइड्रीन आप बनाते हो तो बेसिकली उसमें सीएल आता है या फिर बीआर आता है, सीएल मतलब जैसे क्लोरीनेशन आप परफॉर्म करेंगे सीएल2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, बराबर, तो उस सिचुएशन के अंदर यहां पर आपका सीएल आ जाएगा, ये सीएल रहेगा, यहां पर OH आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, आपने इसको OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, मतलब मीडियम को आपने बेसिक किया, तो जिस समय आप मीडियम को बेसिक करेंगे, राइट, यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, राइट, इट इज माइनस ऑफ H2O, राइट, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, राइट, हमने यहां रिवर्सिबिलिटी पुट कर दी, राइट, जो OH नेगेटिव था उस OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव निकाला, माइनस ऑफ H2O हो गया है, राइट, अब यहां पर O नेगेटिव बचा, तो ये जो O नेगेटिव है, ये जो O नेगेटिव बना है यहां पर, राइट, ये O नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से बीआर नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, राइट, ये वाला जो ओ था, OH नेगेटिव ने यहां से एच पॉजिटिव निकाला, और जब ये एच पॉजिटिव निकाला तो यहां पर ये आ गया ओ नेगेटिव, अब ये ओ नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, एंड इट इज क्लियर कट SN2 अटैक, इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल ही अटैक हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से अगेन, अब देखना बच्चों, अब उसको जरा सा स्टीरियो केमिस्ट्री पर आप ऑब्जर्व करें, राइट, जब ये ओ नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ग्रुप ऊपर जाएंगे, फिर से ये दोनों के दोनों ग्रुप ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, राइट, इसका मतलब जो आपका अल्टीमेटली मिलेगा ये कार्बन, यहां पर हियर इट इज योर H, यहां पर आपका H हो गया, यहां पर आपका मिथाइल हुआ, यहां पर आपका कार्बन, राइट, अच्छा, जब ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ने जाएगा तो यहां से ये नीचे आएगा, मतलब आप समझिए बात को कि ये अब तनाव पैदा हो रहा है, थ्री मेंबर रिंग बन रही है, तो थ्री मेंबर रिंग जब बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कार्बन खींचेगा, यहां पर आएगा, इसका मतलब ये बॉन्ड थोड़े से नीचे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा इट इज H, यहां पर आपका CH3, राइट, एंड हियर इट इज योर ओ, ये आपका इपॉक्साइड बन चुका है, चेक करिए आप, राइट, एंड इट इज डेफिनेटली सिमेट्रिकल, ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, बराबर, इट इज हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, राइट, अब ये जो केस था यहां पर, ये जो केस था, राइट, ये अपने आप में
सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल से मतलब है कि जो अल्कीन मैंने लिया था जिससे मैंने ये बनाया है राइट, वो अल्कीन भी अपने आप में सिमेट्रिकल था, जो अल्कीन मैंने ओरिजिनली लिया था राइट। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, सिंपली केस ले रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नहीं, खास कंसेप्ट समझना है हमारे को कि वो क्या है। मान लीजिए कि मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, अगर मैं अनसिमेट्रिकल का केस लूं राइट, लेट इट बी द केस ऑफ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 राइट। सबसे पहले मैंने क्या करा इसको, सबसे पहले मैंने इसको Br2 के साथ ट्रीट करवाया। तो जिस समय मैं Br2 के साथ ट्रीट करवाऊंगा, इट मींस ये हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड, इट इज CH2 एंड हियर इट इज Br एंड दिस एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। स्टीरियो केमिस्ट्री में बता चुका हूं बराबर है, तो अब मैं बार बार उस पर डायग्राम नहीं बना रहा हूं बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2, ये हमने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो है H2O, यहां पर चाहे तो आप पहले से ही लिख लीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो H2O का अटैक होगा वो H2O का अटैक उस कार्बन पर होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। सारे बच्चे इस बात पर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपसे, कि जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है उस साइक्लिक हेलोनियम आयन के अंदर जो पानी का अटैक होगा वो पानी का अटैक आप उस कार्बन पर करवाएंगे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा राइट। व्हाई इट इज सो, इट इज ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड का टूटना फास्ट होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का टूटना फास्ट होगा राइट एज कंपेयर टू द अटैक ऑफ वॉटर। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बेटर होल्ड करेगा या ये कार्बन ज्यादा बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, ये कार्बन ज्यादा बेहतर तरीके से होल्ड करेगा या ये कार्बन ज्यादा बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेगा, तो आप सब बोलेंगे कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन ज्यादा बेहतर तरीके से पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H2O है, ये H2O उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर के ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अटैक करेगा यहां पर, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा हमारे पास और माइनस ऑफ एच पॉजिटिव फिर कर दीजिएगा, तो ये CH3, हियर इट इज CH एंड हियर इट इज OH एंड इट इज हियर CH2 एंड हियर इट इज Br बराबर है। खास ये बात मेरे को बतानी थी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जो ज्यादा ब्रांच्ड है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है राइट। तो ये बन गया और अल्टीमेटली फिर ये OH नेगेटिव आपने इस्तेमाल किया राइट, तो OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला राइट, और ये जो O है नेगेटिव ये यहां पर अटैक करेगा राइट, और अल्टीमेटली ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा हमारा OH नेगेटिव का अटैक हुआ, माइनस ऑफ Br नेगेटिव एंड हियर इट इज CH3 CH CH2 एंड हियर इट इज O एंड इट इज दिस राइट, 2-methyl oxyrene का फॉर्मेशन हो गया, 2-methyl oxyrene का ये आपने फॉर्मेशन किया है। OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, मतलब Br नेगेटिव भी चला गया और H2O भी निकल गया, माइनस ऑफ H2O, OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकालेगा तो माइनस ऑफ H2O माइनस ऑफ Br नेगेटिव राइट, एंड यू विल गेट दिस ठीक। तो ये बच्चों एक तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं राइट, मतलब हेलोहाइड्रीन से भी आप बढ़िया तरीके से इपॉक्साइड बना सकते हैं। अब हम आ रहे हैं, इट इज द रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड की हम रिएक्शन पर आ रहे हैं राइट। इसमें रिएक्शन में बच्चों बस अब ये बात ध्यान में रखना है, इपॉक्साइड्स भी अपने आप में कोई बहुत स्टेबल नहीं है राइट। आप जानते हैं कि दे आर हैविंग द थ्री मेंबर रिंग है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है बराबर है। दो बातें बस आपको ध्यान में रखना है, अब हाइड्रोलिसिस होगा, जो इपॉक्साइड है वो इपॉक्साइड के ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये जो इपॉक्साइड आप बना रहे हैं इस इपॉक्साइड के ऊपर अब कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब मैं रिएक्शंस पर आ रहा हूं, रिएक्शंस पर हम आ रहे हैं
और कोई रिएक्शंस में भी कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, राइट। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई इपॉक्साइड पर हम मान लीजिए एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस होता है, कोई इपॉक्साइड है हमारे पास, लेट इट बी अनसिमेट्रिकल में ले रहा हूं सी एच थ्री एंड हियर इट इज अ सी एंड हियर इट इज अ सी एच थ्री एंड हियर इट इज सिंगल बॉन्ड सी एच टू एंड हियर इट इज ओ, राइट। ये आपका एक इपॉक्साइड है। अब हम इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे, मतलब इस तरीके से एग्जामिनर देगा आपको एच पॉजिटिव लगा हुआ रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू, राइट। तो जिस समय आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले ये जो एच पॉजिटिव है, ये एच पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। इट मींस ये हो जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री एंड हियर इट इज सी एच टू ओ एंड एच एंड द ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, राइट। अब यहां पर एक तो थ्री मेंबर रिंग, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि थ्री मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल वो थ्री मेंबर रिंग में मिलता है, बराबर है। तो अब यहां पर सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन और ऊपर से ऑक्सीजन, इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो जो रिंग का टूटना यहां पर, जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, उससे पहले रिंग का टूटना, मतलब हल्का सा, ऐसा माना जाता है कि जो रिंग का टूटना है वो हल्का सा फास्ट होता है, इट एक्सीड्स ओवर दैट ऑफ अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आ सकता था, यहां पर भी आ सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज करेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेबलाइज करेगा, बराबर है। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में ध्यान रखना, जब भी वाटर का आप अटैक करवाओगे, जरूरी नहीं है वाटर का अटैक हो, जरूरी नहीं है वाटर का अटैक हो। मैं यहां पर ले सकता था एच पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, एच पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, बराबर है। इसमें नॉर्मली जब आप एसिड कैटलाइज्ड करवाते हो, तो जिस समय आप एसिड कैटलाइज्ड करवाओगे, तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है। और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है, इसीलिए रिंग का टूटना फास्ट होगा एज कंपेयर टू द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, एज कंपेयर टू द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। तो इसीलिए यहां ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसका मतलब आप यहां पर अटैक परफॉर्म करेंगे, यहां पर आप अटैक परफॉर्म करेंगे। जब ये अटैक यहां पर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एच पॉजिटिव फिर निकल जाएगा अल्टीमेटली, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इट मींस ये हो जाएगा सी एच थ्री एंड हियर इट इज अ सी सी एच थ्री एंड हियर इट इज ओ एच। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर नहीं जा रहा हूं बच्चों, समझिएगा बात को। एंड हियर इट इज अ सी एच टू एंड हियर इट इज ओ एच, राइट। इसको और बेटर वे में आप शो कर दीजिए इसको, सी एच थ्री सी एच थ्री, राइट। मतलब एक बात तो बिल्कुल तय है, एक बात बिल्कुल तय है कि यहां पर जो ये हाइड्रोक्सिलेशन आपने परफॉर्म किया है, ये जो आपने हाइड्रोक्सिलेशन परफॉर्म किया है, इट इज डेफिनेटली द एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। मतलब अल्टीमेटली जो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, मतलब जो OH ग्रुप आपको नजर आएंगे वो OH ग्रुप अपोजिट अपोजिट नजर आएंगे, बराबर। यहां पर तो खैर कोई मतलब नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होने की वजह से वो हमारे को ऑब्जर्व नहीं होता है। बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोई रिंग सिस्टम होता, रिंग का सिस्टम होता, बराबर है। जैसे मैं केस ले रहा हूं, ये बात खैर सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक दूसरा केस ले रहा हूं स्टीरियो केमिस्ट्री को समझाने के लिए, देखिएगा। मान लीजिए कि हमने लिया, इट इज द साइक्लोपेंटेन, राइट। दिस इज योर साइक्लोपेंटेन। सबसे पहले हमने R C डबल बॉन्ड O, इट इज O O H,
राइट, ये केस लिए हमने, इसको कोई पर एसिड के साथ ट्रीट करवाया, परऑक्सी एसिड के साथ, राइट, जिससे कि ये इपोक्सीडेशन हुआ, राइट। उसके बाद अगली स्टेप के अंदर हमने एच पॉजिटिव लगाकर हमने H2O का अटैक करवाया, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन, जो अल्टीमेट हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा डायरेक्टली। अब मैं प्रोडक्ट को लेकर बात कर रहा हूं, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आप इस तरीके से शो करेंगे, हियर इट इज ओ एच, राइट, एंड हियर इट इज योर अगेन ओ एच। राइट, ये आप ऑब्जर्व करिएगा, राइट, एच पॉजिटिव लेकर आप H2O, और सिमेट्रिकल केस था, तो सिमेट्रिकल केस था तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स केस नहीं बनता था, बराबर है। बट हां, एक बात तय है कि ये जो OH ग्रुप आपको लगे हुए मिलेंगे, राइट, ये एक दूसरे के एंटी मिलेंगे आपको, राइट, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ये आप एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए कि हम कोई बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं हम, उस सिचुएशन में ये हमारा इपॉक्साइड है, लेट्स टेक द केस ऑफ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, आपने लिया PBA, PBA मतलब परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बराबर, जैसे मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड होता है उसी तरीके से PBA भी होता है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, PBA आपने लिया, ये PBA इपॉक्सीडेशन परफॉर्म करेगा CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2, एंड हियर इट इज O, एंड हियर इट इज दिस, राइट। अब आपने OH नेगेटिव लगाया, OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब अब बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, एंड इट इज क्लियर कट SN2 अटैक, यहां पर जो है वो SN2 अटैक होगा, ये SN2 अटैक होगा, और क्योंकि ये SN2 अटैक हो रहा है, एंड SN2 रिएक्शंस आर टू सेंसिटिव फॉर द स्टेरिक फैक्टर्स, बराबर है, इसीलिए ये जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसका मतलब ये जो OH नेगेटिव है वो यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा, बराबर, आप देख रहे होंगे कि मैं उसके एंटी अटैक करवा रहा हूं, क्योंकि जो SN2 में होता है, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है, बराबर, वो बिल्कुल लीनियर हो जाते हैं, आपको ध्यान होगा SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता, बट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5-membered ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बराबर है, जो 5 bond के साथ, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है वो बिल्कुल लीनियर बताते हैं, वो लीनियर शो किया जाता है, तो यहां पर भी इसीलिए ये OH नेगेटिव यहां से अटैक कर रहा है और ये वाला बॉन्ड यहां घूम रहा है, राइट, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा CH3, एंड हियर इट इज अ CH O नेगेटिव, एंड हियर इट इज अ CH2, एंड हियर इट इज OH। तो क्या डिफरेंस मिल रहा है हमारे को, डिफरेंस ये मिला कि जब आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे थे, तो जिस समय आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त जो न्यूक्लियोफाइल था वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा था, और जब आप बेस कैटेलाइज्ड करेंगे, बराबर है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस कैटेलाइज में मतलब जैसे OH नेगेटिव है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि OH नेगेटिव अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बराबर है, तो ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये मिलेगा आपको, और लेस हिंडर्ड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये मिला, उसके बाद यहां से H पॉजिटिव लिया गया, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH एंड हियर इट इज OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज OH, राइट, बट हाँ ये बात होता है, भले ही वो एसिड कैटेलाइज्ड हो या बेस कैटेलाइज्ड हो, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो उसमें हाइड्रोक्सिलेशन जो मिलेगा दैट विल बी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन।